कल रात को ना इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने, वीडियो अपलोडिंग पे लगा दिया और उसको पब्लिक करके छोड़ दिया। और रात को ही 12-1 बजे, पता नहीं कितने बजे वो वीडियो अपलोड हुई होगी, और तभी पब्लिश हो गई। और सब सोए पड़े हैं यार, कौन देखने बैठे, और हो गई पब्लिक। तो ऐसा भी हो जाता है, जबकि मैं ना हमेशा है ना शेड्यूल में डाल के रखती हूँ कि 8:30 का टाइम फिक्स करके रखती हूँ, और फिर उसके बाद में ना 8:30 पे फिर अपने आप में काम में लगी रहती हूँ, तो अपने आप ही रिलीज़ हो जाती है, मतलब पब्लिक हो जाती है। और आज तो 12-1-2 पता नहीं कितने बजे रिलीज़ हो गई, भगवान ही जाने। फिर मैंने जब मेरा मेरी नींद खुली तो मैंने उस टाइम पे उसे शेड्यूल में क्या कि 8:30 का कर देती हूँ। अब पता नहीं आज का वीडियो का क्या ही होने वाला है। तो आज की सुबह कुछ इस तरह की खबर के साथ में स्टार्ट करते हैं। बन रही है चाय और पूजा मैंने कर ली है, और आज है मंडे, तो हैप्पी मंडे टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। बस अभी अभी पूजा करी है, चाय बनानी रहती है, बर्तन के लिए बास्केट खाली करनी है, और फिर स्लैब क्लीनिंग एंड ऑल ये सब करना है। तो चलिए करते हैं। और आज वापस से बादाम भिगोना भूल गई, इसलिए अब भिगो रही हूँ, तो भीग जाएंगे तब तक। अभी 7 बजे है ना, 8, 9, 10, 3 घंटे में भीग जाएंगे। तो वैसे भी है ना, जो कहते हैं कि है ना बादाम को ना ज़्यादा देर तक भिगोना नहीं चाहिए, 4-5 घंटे ही भिगोना चाहिए, तो 3-4 घंटे भीग जाएंगे अभी भिगोंगी तो भिगो देती हूँ। इसलिए छोकती हूँ कि फिर ऐसे कढ़ाई रह जाती है ना, तो फिर पड़ी रहती है अगली नेक्स्ट सब्जी। सोचते हैं कि ना खाली करने के बाद में कि इसी के अंदर ही कोई सब्जी दूसरी छोकूंगी, तो फिर ना पड़ी रहती है। तो इससे अच्छा है कि आज की आज हाथी हाथी इसको काम में ले लो। अभी गर्म तो है ही है, मैंने डाल दिया है जीरा, क्योंकि तेल गर्म ही है तो वो जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पर पूरी बनी गई है, यहाँ पर सारी तैयारी करके रखी हुई है मैंने, प्याज अदरक ये सब कुछ। तो चलो शुरू करते हैं। अभी मैंने गैस ऑफ कर दी थी, ऑन कर देती हूँ। आलू मटर की सब्जी और पूड़ी बना रही हूँ आज मैं खाने में। तो एक्चुअली ना आलू मटर की सब्जी बनाती हूँ ना, तो पूड़ी भी बना लेती हूँ, क्योंकि हर्षित को पूड़ी पसंद है, और अभी है ना वो नहाया भी नहीं है, तो इसलिए ना पहले बना ली है। उसने बोला है उसको अच्छी लगती है पूड़ियाँ, चाहे वो ना थोड़ी सी गरम गरम हो, ठंडी हो, कैसी भी हो, वो खा लेता है। तो इसलिए मैंने पहले पूड़ी बना ली है, उसके बाद उसी कढ़ाई में ना सब्जी भी छोंक दी है, और साथ के साथ है ना मैं सारा सामान उठा के रखती जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी जो हैं वो तो खाते ही नहीं है पूड़ी, तो उनके लायक मैंने आटा उठा करके रख दिया है। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी को छोंक रही हूँ, और सब्ज़ी को छोंकते छोंकते है ना मैं बहुत सारे काम कर लूँगी, क्योंकि तैयारी तो पूरी है ही है। वैसे तो मैं ना सब्ज़ी छोकते छोकते आगे की तैयारी करती रहती हूँ, जैसे प्याज डाल दिए तो टमाटर काटने लग गई, मिर्ची काटने लग गई, लेकिन अभी मेरी सारी तैयारी है। मैंने सोचा था तेल गर्म रहेगा तो हाथ के हाथ ही छोक दूंगी, तो फिर ये बाकी की तैयारी कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं पूड़ी वगैरह उठा करके रखना है, आटा उठा के रख दिया है, और जो भी बर्तन थे अभी नाश्ते भी किया था तो उसके बर्तन हो गए थे, तो वो भी मैं यहीं पर ही रख रही हूँ उठा उठा करके, और जो जो धुलने के बर्तन हैं उनको धोने में रख रही हूँ, और इस तरह से। और सब्ज़ी किस तरह से छोकते हो, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर भी करी थी, तो मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप है ना देख लीजिएगा कि मैं किस तरह से आलू मटर की सब्ज़ी बनाती। वैसे तो ये नॉर्मल सब्ज़ी है, हर घर में बनती है, सर्दियों में तो जैसे कोई सब्ज़ी नहीं होती है ना, तो मेरे हिसाब से है ना पूरे घर पूरे ना सबके घरों में आलू मटर की सब्ज़ी बनी जाती होगी। सर्दियों में तो समझ लीजिए कि आलू गोभी, आलू
मटर, मेथी, बथुआ, यही नॉर्मल सब्जियाँ हैं, यही आती हैं और यही बनती हैं। तो यहाँ पे मसाला तैयार हो गया था, मैंने आलू भी डाल दिए हैं। आलू डालने के बाद में थोड़ी सी देर भूनती हूँ, फिर उसके बाद में ना पानी डालती हूँ। पानी थोड़ा ज़्यादा सा डाल रही हूँ क्योंकि ये हस्बैंड जी बोल रहे थे थोड़ी पतली बनाना, क्योंकि उन्हें ना थोड़ी पतली सी ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर ना मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ा सा काला नमक भी डालूंगी। मैंने दोनों नमक ये ना यूज़ करती हूँ, काला नमक भी और सफ़ेद नमक भी। और उसको थोड़ी सी देर कुक होने दूँगी और जब ये बन जाएंगे, आलू हो जाएंगे, तो उसके बाद में ना हरा धनिया, गर्म मसाला और अमचूर पाउडर ऐड करूँगी फाइनली लास्ट में। और यहाँ पर ना पूरी तैयारी ना कर ली है, सफाई वफाई और ना पूरी स्लैब भी साफ़ कर ली है, बस बर्तनों को करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी और यही सब काम है। तो मैंने ये था कि ना मैं आप लोगों के ना एक कमेंट का रिप्लाई करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे पास है ना एक कमेंट आया था कुछ दिन पहले कि आप है ना भगवान को इतना मानते हो तो आपके जीवन में ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा चमत्कार जो आपने महसूस किया होगा, तो वो आप मेरे साथ में हमारे साथ में शेयर कीजिए। तो देखिए, मेरा तो पूरा जीवन ही मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के भरोसे ही चल रहा है। मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। वो वाला सॉन्ग है ना, वो वाला भजन है कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है सेम टू सेम मेरा जीवन तो बस यही है, करते हैं वो और नाम मेरा हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम देते भी है ना, अगर वो टाइटैनिक जहाज़ जितनी बड़ी भी है ना, तो ये समझ लीजिए कि वो टाइटैनिक जहाज़ है ना समुद्र के आगे वो भी छोटा ही लगता है। और जो हमारे भगवान है ना, वो कृपा सिंधु सागर समुद्र से भी उनकी बड़ी, उनकी जो है दया का सागर है उनका, तो टाइटैनिक जहाज़ जैसी प्रॉब्लम भी ना उनकी सागर के आगे छोटी ही लगेगी। तो टेंशन मत लिया कीजिए। और मैं दो चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ, मैं हमेशा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि है ना हम गिरेंगे भी, रोएंगे भी, लेकिन कभी भी है ना हार नहीं मानेंगे। आपने देखा होगा कि मैं कई बार निराश जाती हूँ, हार जाती हूँ, थक जाती हूँ, उदास उदास सी भी दिखूंगी, लेकिन कभी हारते हुए आपने मुझे नहीं देखा होगा। और मुझे भगवान हारने भी नहीं देते हैं, तो आज नहीं तो कल मेरी विश पूरी हो ही जाती है। हाय स्वीट स्वीट आंटीज, मम्मी देखो इस समय कर रही है अभी पूजा और मैं मम्मी की बना रहा हूँ वीडियो। और जे चीज तो आपको दिखाना रह गई, ये देखो जे मैं बैग जमा रहा हूँ स्कूल के लिए। हाई स्कूल में पढ़ गई हैं छुट्टियाँ, लेकिन हमारे नहीं पड़ी छुट्टियाँ, हमें तो ठंडी में भी जाना है सुबह सुबह उठ के। सब बच्चे स्कूल में नहीं जाते, अब सब स्कूल के बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, छुट्टी मना लें, हमें जाना है। सर्दी में जुकाम काची हो जाता है हमारे, क्यों मम्मी सही बात है? नौटंकियां चालू हो जाती है स्कूल के नाम पे। नौटंकी नहीं है, मुझे ठंड लगती सुबह सुबह स्कूल जाने में, ठंड लगती। अच्छी बात है, कोरोना के टाइम में कितनी छुट्टियां हो चुकी है और इसको छुट्टियां चाहिए अभी भी, इसका पेट नहीं भरा छुट्टियों से। सबकी छुट्टियां हो गई हैं, मेरी नहीं हुई है, मैं भी बैग जमाना है स्कूल जाना है। हाँ और क्या, बैग जमा। अभी अभी जस्ट की है आरती, शाम हो गई है दोस्तों, आरती कर ली है और ये शाम के टाइम थोड़ा से देर जला देती हूँ, अच्छा लगता है देखने में, सुंदर लगता है और मन को भी अच्छा लगता है। तो कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि इंग्लिश का वो कौन सा वर्ड है जो हमेशा रॉन्ग रहता है, कभी भी राइट नहीं होता, वो वर्ड है रॉन्ग, WRONG रॉन्ग। काफ़ी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, लेकिन काफ़ी लोगों ने एक्स आंसर दिया। तो एक्स एक अल्फ़ाबेट है, ये एक वर्ड नहीं है, वर्ड होता है एक अल्फ़ाबेट्स मिलके जो बनते हैं उसे बोलते हैं वर्ड्स, तो रॉन्ग होगा उसका आंसर। तो ये था इसका सही आंसर। एक और पूछती हूँ आज की, तो बताओगी ना, बस यस और नो में आंसर देना है, ठीक है? कि क्या आपके क्वेश्चन है, क्या आपके घर वालों को, आपके परिवार वालों को, आपके अपनों को मालूम है कि आप पागल हो? आई मीन
अगर इस क्वेश्चन को सुनकर आपको हंसी आती है तो इसका आंसर है हाँ, और अगर आपको इस क्वेश्चन को सुनकर हंसी नहीं आती है, गुस्सा आ रहा है नीतू के ऊपर, तो इसका आंसर है नो, नहीं मालूम। तो आज का क्वेश्चन का आंसर जरूर देना। तो मेरे घर वालों को तो मालूम है मैं पागल हूँ, आप भी बताइएगा, ठीक है। याद से भिगो रही हूँ आज, कल भिगोए नहीं थे, परसों भी भिगोए नहीं थे। इनको ना बादाम ही अच्छे लगते हैं ज़्यादातर। तो ये है आज के दिन का लास्ट काम। आज कैलेंडर भी आ गया है। सुबह टाइमिंग इसका वो धागा नहीं है, इसमें धागा लगाना पड़ेगा। सिंक साफ हो गया, बर्तन मज गए, गैस साफ हो गई, पूरी स्लैब वगैरह सब साफ हो गई। तो भी काफ़ी हो गई है दोस्तों, 11:30 बज रहे हैं। टाइम देख के बताती हूँ एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है। अभी हो रहे हैं 12:15, और अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। हर्षित और उसके पापा दोनों वीडियोस देख रहे हैं मोबाइल में, हमारा टीवी तो ख़राब हुआ पड़ा है, तो दोनों की दोनों टीवी मोबाइल के अंदर ही फ़नी वीडियोज़ होते हैं ना, वो देखते रहते हैं और बस इसी तरह से रात को इंजॉय करते हैं वीडियो देख देख के। मैं तो सो जाती हूँ मेरे काम करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।